नहीं की ना इस पे भी प्रेस। अरे यार सारा दिन घर में करती ही क्या हो तुम? मैं ऑफिस जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तुमसे घर का एक काम नहीं हो पाता ना? ज्यादा ना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन मैं घर का काम ही करती हूँ, उसमें एक आध काम भूल गई कोई बड़ी बात नहीं होगी, गुनाह नहीं कर दिया मैंने तब बोले जा रहे हो तुम, अभी कर देती हूँ क्या हो गया इसमें? अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, कर लूंगा मैं अपने आप। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मैं भूल गई थी, तुमसे काम तो होते नहीं है यार। इतनी मुश्किल से दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना था, सारा मूड खराब करा दिया। तुम्हें पता है ऑफिस में दिन भर सर खपाने के बाद 35,000 मिलते हैं, उस 35,000 में मैं पूरा घर चलाता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा कि घर को कैसे चलाया जाता है? तुम कमा तो सकती नहीं हो। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, घर के कामों में सर खपाना नहीं पड़ता है क्या? वो अपने आप हो जाता है काम या कोई बाहर से करके चला जाता है? तुम्हारी इतनी सैलरी भी नहीं है जो कि हम मेड अफोर्ड कर सके। सुबह से लेकर शाम तक ना मैं घर के कामों में लगी रहती हूँ, और जहाँ तक घर चलाने की बात है ना, इसमें मेरी कमाई भी शामिल है, समझे? कमाई और तुम्हारी, जरा बताना कहाँ से कमा के लाती हो तुम? पूरा दिन तो बच्चों को संभालना है या घर के काम करने हैं, इसके अलावा कहाँ से कमाती हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूँ ना कि कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास पैसा। हाँ तो सुन लो ना, झाड़ू पोछा बर्तन इसके 3,000 रुपए हो जाते हैं, और खाना कपड़ा जो तुम पहनते हो अच्छे अच्छे कपड़े उसके 8,000 लग जाते हैं धुलवाने में, और मैं छोटे मोटे काम तो गिनवा नहीं रही, वरना तुम्हारी सारी सैलरी ना कम पड़ जाएगी। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो मतलब मैडम अब घर के कामों को भी मेरे से गिनवाएंगी? देखो मुझे गिनवाने का ना कोई शौक नहीं है, और ये जो घर इतने अच्छे से चल रहा है ना, उसमें तुम्हारी कमाई के साथ साथ मेरी मेहनत भी शामिल है। अगर मैं घर का काम करना छोड़ दूँ ना, जितनी भी तुम्हारी सैलरी है ना आधे महीने में खत्म हो जाएगी, फिर रोते रहना सैलरी के लिए। घर के सारे काम करके ना मैं पैसे बचा रही हूँ, भले ही मैं बाहर कमाने नहीं जाती हूँ पर पैसे बचा करके मैं कमाई तो कर रही हूँ ना, ये कमाई का हिस्सा ही तो है। लेकिन तुम्हारी नजरों में ना मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हारी और मेरी मेहनत में सिर्फ एक ही फर्क है कि तुम्हें पैसे मिलते हैं और मुझे नहीं मिलते हैं। करके दे रही हूं मैं प्रेस। पूजा मैं क्या कह रहा था, नाराज हो? खाना बना दो। तुम खाना बनाओगे? आता भी बनाना खाना? अच्छा I'm sorry, मैंने ज़्यादा ओवरएक्ट कर दिया ना। अरे नहीं नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो मेरी है। हम मर्द घर के कामों को अहमियत ही नहीं देते, हम लोग सोचते हैं कि सारा घर सिर्फ हमारी कमाई से चलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एक बीवी का भी घर को चलाने में उतना ही बड़ा हाथ होता है जितना एक पति का, तो इसलिए I'm really sorry। और देखो ना अब मैंने सॉरी बोल दिया, चुपचाप खाना लेके बाहर आ जाना। कहाँ जा रहे हो? सॉरी बोल दे तो क्या होगा, चलो खाना बनाओ, पकड़ो। यार मुझसे नहीं बनेगा। बनाओ बनाओ कुछ नहीं करना, चलो इसके बाद एक कप चाय भी बनाओ।